24 घंटे काम कर रहे हैं लेकिन अनुदेशकों की मांग नहीं मान रहे हैं। 24 घंटे काम कर रहे हैं, बीएसईटी वालों की नहीं सुनवाई है। पूरा देश लूट के दे दे, कुछ बचा देश में? अरे अभी घर में कॉलोनी नहीं है एक भी बार। सपा की सरकार बननी चाहिए, ठोकू सरकार गढ़ाना चाहिए, परिवर्तन चाहिए, जात पात के मुद्दे पे ये इलेक्शन करते हैं। अरे बड़ा बढ़िया नारा लिखा है टीटी वालों ने, चिलम बुझने वाली है अब की बार। ये चिलम बात समझ में नहीं आई आपके लिए। पुल पर चलिए, ये पुल गड्ढे में पुल है, आप चल के देख लीजिए। अरे योगी प्यार सब दिमाग खराब कर दिया। वोट आती है आपकी? आपकी आएगी, मेरी वोट पहले नहीं थी लेकिन आपकी आ जाएगी। तो पहली वोट कहाँ डालेंगे आपकी बार? अगले चुनाव। आपको बता दूं कि आज हमारी टीम रायबरेली में मौजूद है और अखिलेश यादव पीछे मंच पर लोगों को खड़े होकर संबोधित कर रहे हैं। 24 घंटे काम करते हैं लेकिन फौज में भर्ती नहीं कराते हैं। 24 घंटे काम कर रहे हैं लेकिन अनुदेशकों की मांग नहीं मान रहे हैं। 24 घंटे काम कर रहे हैं, बीएसटीटी वालों की नहीं सुनवाई है। अरे बड़ा बढ़िया नारा लिखा है टीटी वालों ने, चिलम बुझने वाली है अब की बार। ये चिलम बात समझ में नहीं आई। अरे अभी घर में कॉलोनी नहीं है एक भी बार। अच्छा, और फ्री में राशन तो दिला रहे ना? राशन दिला रहे ना, घर पे देखो टूटा फूटा घर पड़ा है। घर पे टूटा फूटा घर पड़ा है। घर तुम्हारा नहीं बना है? नहीं बना है। तो यहाँ क्या उम्मीद लेकर आए हो तुम? कॉलोनी की उम्मीद लेकर आए। यहाँ कॉलोनी की उम्मीद लेकर आए? लेकिन ये कॉलोनी क्या देंगे, इनकी सरकार अभी थोड़ी आई है। आएगी 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 किसकी आएगी? आएगी किसकी? अखिलेश यादव जिंदा। किसकी? अखिलेश यादव। किसकी? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव। अखिलेश यादव। अखिलेश यादव। छोटा बच्चा है, स्कूल से आया हुआ है, अखिलेश यादव पीछे भाषण दे रहे। ये जो 100 नंबर वाली व्यवस्था थी जो पुलिस को हमने दी थी, और पुलिस को इसलिए दी थी कि जिससे पुलिस हमारे किसानों की गरीबों की मदद करने के लिए पहुंच जाए। अगर खेत में झगड़ा हो जाए, मेड़ को लेकर के झगड़ा हो जाए, पानी को निकालने को लेकर के कोई बात हो जाए तो हमारे गरीब को थाने ना जाना पड़े, क्योंकि थाने में कई बार उसको परेशानी का सामना करना पड़ता है। पूरा देश लूट के दे दे, कुछ बचा देश में? अरे कुछ बचा दे, बर्बाद कर दिया। अच्छा, पूरा देश बर्बाद कर दिया। झूठी सरकार है, झूठी, झूठे वादे कर रही है। अरे देश तरक्की कर रहा है, आप करो बर्बाद कर दिया। कैसे 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 कैसे? अरे कुछ नहीं, कुछ नहीं बचा देश में, खोखला कर दिया, पूरा देश साफ कर दिया। 4.5 लाख रोजगार बांट दिए, कुछ नहीं है, कुछ नहीं मिला, केवल जमान पर है, जमान पर झूठा वादा। समाजवादी सरकार क्यों लाना चाहते हो? अरे वाह अखिलेश भैया, अच्छे थे जो कहा वो किया है। अच्छे थे तो हारे क्यों थे? अरे वाह, ये जनता की वो ये बीजेपी की राजनीति, झूठ बोल के गुमराह किया जनता को, साजिश किया। एमए फाइनल है और आप पानी को लेकर के झगड़ा कर हो जाए। सब लोग यहाँ क्या कर रहे हो? इसे अखिलेश यादव है, उनको देखने आए हैं कि क्या कह रहे हैं। इससे पहले कभी देखा कि नहीं देखा? हमने नहीं देखा, पहले मतलब टीवी पे देखते थे लेकिन ऐसे नहीं देखा था। आज आंखों से देख लिया? हाँ देख लिया। योगी जी को कभी देखा कि नहीं? नहीं, टीवी में देखते लेकिन यहाँ नहीं आते हैं। कोई अखिलेश आए हैं? अच्छा, तो अब की बार सरकार किसकी बना रहे हो? अखिलेश यादव। वोट आती है आपकी? आपकी आएगी, मेरी वोट पहले नहीं थी लेकिन आपकी आ जाएगी। तो पहली वोट कहाँ डालेंगे आपकी बार? अखिलेश यादव। मन बना लिया? यस। घर वाले? घर वाले भी कह रहे हैं, घर वाले अखिलेश। इतनी महंगाई है, योगी ने कर दिया है, इतनी महंगाई जो 100 में मिलते थे वो 200 में मिल रही है। अच्छा, लेकिन महंगाई, घर में भी लोग परेशान है, बहुत परेशान है। अच्छा अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा? सुभाषनी। अच्छा, तो आपकी बार माहौल क्या है? अरे आपकी तो बढ़िया माहौल है। किसकी सरकार बन रही है? इनकी सरकार है, अखिलेश की सरकार बन रही है। हाँ हाँ। योगी जी की काहे नहीं बन रही है? अब का पता काहे नहीं बन रही, बन का रही, देख का सुनते नहीं है वो, का कितना भ्रष्टाचार दुनियादारी सब हो रहा है। बिटिया का क्या नाम है? रिया है, रिया, रिया नाम है जी। अच्छा, तो किसकी सरकार बनाने का विचार है ये बताओ? मेरे तो अखिलेश सिंह की बनाने है। और अभी सुनने में आया है कि गरीबों को पहले ये राशन दे रहे थे नवंबर तक, अब देना चाहते मार्च तक। हम बीजेपी से पूछना चाहते हैं, नवंबर और मार्च के बाद, और मार्च के बाद क्या दोगे गरीबों को ये बता दो आप।
इसलिए राशन पाने वाले गरीबों हम आपको कह के जा रहे हैं, समाजवादी सरकार बनेगी तो राशन बंद नहीं होगा, जब तक सरकार होगी। सपा की सरकार बननी चाहिए, ठोकू सरकार गठाना चाहिए, परिवर्तन चाहिए। जात पात के मुद्दे पे ये इलेक्शन करते हैं, जब इलेक्शन आता है हिंदू मुस्लिम का दंगा होता है। अच्छा देखो, जब बाबरी मस्जिद का ले लो, मंदिर का ले लो, मंदिर मस्जिद का मुद्दा नहीं होना चाहिए, स्वास्थ्य विकास होना चाहिए। नहीं स्वास्थ्य विकास बता तो रहे, बढ़िया काम हो रहा है यूपी में, बढ़िया सब हो रहा है, अभी तक विकास पैदा नहीं हुआ, कब विकास पैदा होगा? कहीं विकास दिख ही नहीं रहा। आपको विकास नहीं दिखा? हमें विकास नहीं दिखा, हमारा राज्य। आप चलिए पुल पर, चलिए ये पुल गड्ढे में पुल है, आप चल के देख लीजिए। अच्छा हाँ, गड्ढे में या गड्ढे में पुल, आप चल के सर्वे कर लीजिए, देख लीजिए आप। अच्छा तो ये बताओ, योगी जी को 10 में कितने नंबर दोगे? जीरो जीरो, कोई नंबर नहीं। नो, मायावती जी को 10 में ना, सपा 100 सपा साफ ना हो जाए फिर से? ना, सवाल ही नहीं, परिवर्तन चाहिए। पिछले चुनाव में कहा था काम बोलता है, लेकिन 15 लाख रुपए की लहर चला था, 15 लाख हर खाते में आएंगे, अब जुमला की सरकार नहीं चलेगी। तो अब की बार किसकी लहर है? सपा सरकार। योगी जी की नहीं बनाएंगे, चाहे नहीं बनाएंगे, कोई विकास नहीं करते। बहुत अच्छा काम करते, कोई नहीं काम करते। तेल पेट्रोल कहाँ महंगा होगा, कहाँ महंगा हो गया, आदमी मर रहा, भूखन मर रहा। और बताओ, रोड ऊपर खाबड़ भी है। तुम्हारा क्या नाम है? रंजना। तो कौन सी क्लास में हो, क्या करते हो? बीए फर्स्ट ईयर है। यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ पे अखिलेश जी का भाषण सुनने आए हैं। सुनने आए हो? अच्छा तो योगी जी के कभी भाषण सुने कि नहीं सुने? नहीं सुने। अच्छा योगी जी, मायावती, अखिलेश यादव, इन तीन में सबसे बढ़िया तुमको कौन लगता है? यादव। अखिलेश यादव। अब क्या नाम है? योगी सरकार में 5 साल से एक भी वैकेंसी नहीं निकली। अच्छा हाँ ठीक है, बताते 4.5 लाख रोजगार दे दिए। किसको रोजगार दिया है बताइए? भाई मुझे तो नहीं मालूम, आपको आप बताइए। पुलिस की वैकेंसी निकली, एक रोजगार 1 साल लटका हुआ है, क्यों लटका हुआ? पुलिस की तैयारी कर रहे हो? तैयारी कर रहे हैं, कोई वैकेंसी नहीं आ रही, क्या करें? अच्छा वैकेंसी आनी चाहिए ना, वैकेंसी आना चाहिए। किसकी सरकार बना रहे हो? अखिलेश की। अच्छा योगी जी की कहे नहीं बनाएंगे? अरे योगी तो यार सब दिमाग खराब कर दिया। क्या दिमाग खराब कर दिया, दिमाग तो बढ़िया काम कर रहा है। अरे नहीं यार, खैर यहाँ के लोग क्या कहते हैं वो आपने देखा। इलेक्शन 2022 के चुनाव में अखिलेश यादव आते कि नहीं आते, ये देखना अभी हमारे लिए बेहद दिलचस्प है। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे भारत एक सोच। दोस्तों यूपी की धुआंधार राजनीतिक खबरों के लिए भारत एक सोच को सब्सक्राइब जरूर करिए और बगल वाली घंटी जरूर दबाइए, क्योंकि अगर आप एक बार नोटिफिकेशन बेल दबा देंगे तो आपको हमारे नए वीडियो की सूचना बिल्कुल मुफ्त में मिल जाएगी और आप जब चाहे जानकारी से भरा वीडियो अपनी मर्जी के मुताबिक देख पाएंगे। चलते हैं, जय भीम जय भारत। We'll be right back.